तो गाइस पहले ये सुनो, एक मिनट। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हो तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए क्योंकि शपथ लेने की दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हो तो ये वीडियो तो तुमने पूरी सुन ली, अब ये मेरी सुनो भाई। इलेक्शन के बाद बीजेपी जीत गई तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड जाएगी, तो हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाय मिस्टेक मे बी शायद, मुझे तो नहीं लगता बीजेपी हारेगी, मुझे नहीं लगता, और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम सोचना। मेरा कहना तो ये है कि जो भी करना लॉन्ग टर्म के लिए करना, यानी कि 10 से 15 साल के लिए किसी भी स्टॉक में, यानी कि ईवी सोलर एआई से रिलेटेड कोई भी शेयर हो उसमें 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही करो यार, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैंने खुद कर रखा है, 2.5 से 3 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है 10 से 15 साल के लिए, और डेली बाई डे खर्चे के लिए मैंने अलग 50,000 रुपये से मैं अपना दिन का बना लेता हूँ 1-1.5 हज़ार रुपये। और ये कैपिटल जैसे मैं मल्टीपल करता जाऊंगा ना, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ग्रोथ भी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। एक दिन में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ये कभी दिमाग में ये मत रखना एक दिन में करोड़पति बना जाए जा सकता है, बट एक दिन में तो नहीं बना जाएगा, पर एक ना एक दिन जरूर बना जाएगा करोड़पति, ये बात दिमाग में फीड कर लेना। बट ये मत रखना कि एक दिन में करोड़पति कैसे बना है, ये तो भाई ड्रीम इलेवन का सहारा जानता है भाई। इतना ध्यान रखो ड्रीम इलेवन जाए बाढ़ में भाई। हम तो कह रहे हैं ड्रीम इलेवन में लगाने से तो अच्छा तो बैंकिंग सेक्टर में लगाओ ना। ड्रीम इलेवन में पैसे लगाएंगे तो वो तो बैंक के थ्रू ही लगेंगे ना, बैंक में मनी ऐड करेंगे, डेबिट टू यू बैंक से होगा, क्रेडिट भी बैंक से ही होगा, तो यानी बैंक से प्रॉफिट ज़्यादा है। ये बात तुम सोचो, सोचा करो, थॉट्स रखा करो भाई। कोई कंपनी ऐसी बंद होने के लिए नहीं बनी जो बंद हो जाए। लाइफ में ईवी सोलर एआई से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं उनका फ्यूचर ग्रोथ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कहते हैं जैसे। और मैं भी बता रहा हूँ, एक रेलवे सेक्टर भी बहुत क्लियरली ब्राइट है भाई, वहाँ तो मजे ही मजे हैं। रेलवे सेक्टर में अभी तो तेजी आएगी, धीरे धीरे आएगी, अभी तो वही है भाई, रेल विकास निगम, IRFC, IRCTC और मोर स्टॉक्स भेल गेल। तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेटर रहेगा। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मंथली कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए जो हमें SIP की तरह करने पड़े, जैसे सैलरी आती है फिक्स ऐसे ही हम के 2,000 रुपये बचाए से सेविंग की हमने 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये लगाए स्टॉक में पर मंथ लगाए, साल में 12 से 12 महीने 24,000 रुपये हो गए भाई 2,000 रुपये से। बस रुपये बचाना सीखो और इन्वेस्ट करना सीखो, सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे ना तो तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, ये बात तुम ध्यान रखना। मैं भी कह रहा हूँ आज, कल भी कहूँगा, एक दिन में करोड़पति नहीं बना जाएगा बट एक ना एक दिन जरूर बना जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लेना, आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं दिखा दूंगा भाई प्रूव करके, लॉन्ग टर्म बनूंगा, धीरे धीरे बनूंगा पर एकदम नहीं। FNO ट्रेडिंग भाई बहुत गए बेकार है, और भाई ये पता है क्यों क्या है? 50% डिस्काउंट उसमें FNO में, लॉट साइज क्यों वो किए हैं कम, इसलिए कम किए हैं कि ब्रोकरेज पे करना ही करना है भाई। ब्रोकरेज पे होगा जहाँ एक स्लॉट में खरीदने में दिक्कत आती थी, अब वो फ्लॉट आराम से खरीदेगा, ब्रोकरेज पे करेंगे ही करेंगे, बिना ब्रोकरेज पे किए तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो एक काम होगा तुम्हें, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पर कॉमन काम एक ही है उसमें, ब्रोकरेज पे करना। बाय करोगे तब 20 रुपये, सेल करोगे तब 20 रुपये, फिक्स 50 रुपये का लॉस तो तुम्हें है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में भाई मैंने तो करके देख रहा हूँ,
ये बात समझो समझो समझो, कैसे भी समझो 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 भाई। ये थॉट एक दिमाग में बात सोच, एक सोचना, एक थिंकिंग रखना कि जो FNO में ट्रेडिंग की सलाह देते हैं कोई भी हो XYZ, मैं भाई किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। वो कोर्स बेच कितने पैसे कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट कर सकते हैं, फ्री में भी सेल कर सकते हैं, फ्री में भी, तो मी को क्यों बेचना है? ये बात तुम सोचना, ये क्वेश्चन है, और कमेंट में देना ना आंसर, इसका आंसर मिल जाए तो, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। सब वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, पर मैं तो भाई ट्राई करूंगा बेस्ट से बेस्ट देने का, लॉन्ग टर्म के लिए फोर्स करूंगा ओनली, किसी चीज़ के लिए करूं या ना करूं, बट लॉन्ग टर्म के लिए फोर्स करूंगा। 10 से 15 साल, 1 से 2 लाख रुपए, मस्त जिंदगी सेट सेट करनी है ना जिंदगी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं पता है, मुझे पता है, मिडिल क्लास आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझती हो, ये बात ध्यान रखना। बस 1 लाख रुपए शेयर, मात्र 10 साल, बैंक से ज़्यादा रिटर्न ना मिले तो हमसे कहना, पर EV सोलर AI से रिलेटेड होने चाहिए शेयर, तब कहता हूँ मैं इस बात को। अब तुम सोच रहे हो किसी भी कंपनी को सीधी खरीद लोगे, तो भाई मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, EV सोलर AI से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियाँ, टाटा जो सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, टाटा मोटर्स जो EV पे काम कर रही है। बस यार नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे अब आगे, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मस्त लाइफ बनाओ अपनी, जिंदगी में कुछ करो ना करो टेंशन ना लो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।